हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कुर्ती वाला पैटर्न नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती की कटिंग की हुई है और साथ ही हमने यहाँ पर एक ऑफ वाइट कलर का कपड़ा लिया है जिसका साइज है 16x16 और इस पर दोस्तों उल्टी साइड पर हमने पेपर फ्यूजिंग को भी चिपका लिया है। तो इसमें हम एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न काटेंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहते हैं। दोस्तों मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में जो हमने कुर्ती की कटिंग की है इसको इस तरीके से उठाएंगे और उठाने के बाद में पहले इसको रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर इसको बिल्कुल सही तरीके से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारे आर्मोल की सेफ है सिर्फ यहाँ तक हम अपनी सेफ दे देंगे पहले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने आर्मोल की सेफ दे दी है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना एक बोर्ड नेक का सिंपली मार्क लगाएंगे। दोस्तों बोर्ड नेक की जो चौड़ाई रखी जाती है वो तो 9 इंच रखी जाती है, उसका हाफ करके आप 4.5 पर निशान लगा लें। इसके बाद लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। ऐसा ही सेम निशान हम दोस्तों दूसरी साइड पर भी छापेंगे। तो इसके लिए हम अपने इसको खोलेंगे और खोलने के बाद इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद इस पर हल्का हल्का हाथ मारेंगे जिससे हमारे निशान दूसरी तरफ छप जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे बोर्ड नेक का जो मार्क है वो कुछ इस प्रकार से लग गया है। इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक से इधर की साइड पर पहले तो हम इसे दोस्तों इस तरीके से सीधा कर लें, जैसे ये पेपर फ्यूजिंग है तो इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद में ही आपको यहाँ पर अपने नेक की मार्किंग से, जो ये आपके नेक की मार्किंग आपको हल्की हल्की नज़र आ रही होगी दोस्तों, इस नेक की मार्किंग से आपको बाहर की तरफ 1 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाना है। ये देखिए 1 इंच चौड़ाई पर हमने निशान लगाया और इसको सीधा नापेंगे हम नीचे तक 14.5 इंच पर। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नापने के बाद दोस्तों हम अपने स्केल की मदद से इसको बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही हल्के हल्के निशान लगाने हैं, डार्क नहीं करने हैं क्योंकि कलर जो है वो क्रीम है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर अच्छा सा ले सकते हैं। तो ये हमने अपने मार्क जो है उस इस प्रकार से लगा दिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी इस कंधी से ऊपर से 3 इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगाना है और लगाने के बाद में दोस्तों इस निशान को यहाँ पर आपको क्रॉस करना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अंदाज से क्रॉस कर सकते हैं, इस निशान से आपको टच करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नक्शा है वो कुछ इस प्रकार से बन गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपने मार्किंग की है उस मार्किंग से 1/4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पैटर्न की कटिंग है वो कुछ इस प्रकार से हो गई है। अब चलिए मशीन पर हम बताते हैं इसमें एक बहुत ही खूबसूरत एंकर थ्रेड धागे का डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमने ये मार्किंग की है ये हमने सीधी तरफ की है, हल्की हल्की मार्किंग। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने पैटर्न को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में दोस्तों जो हमने बाहर की तरफ 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसे छोड़ते हुए ही हम पहले सिलाई लगाएंगे उल्टी तरफ कपड़े पे। तो एंकर थ्रेड धागा दोस्तों हमने नीचे की तरफ लगाया हुआ है जिससे कि सीधी तरफ हमारी एंकर थ्रेड धागे की सिलाई आ जाएगी। तो हम यहाँ से अपनी एक सीधी सिलाई लगाते हैं। देखिए दोस्तों एंकर थ्रेड धागा जो है वो नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी के बराबर में 1/4 इंच का मार्जिन का देते हुए सीधी सिलाई फिर से लगा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इतनी सिलाइयाँ तो लगा दी हैं, अब हम सारी सिलाइयाँ 1/4 इंच के मार्जिन से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सीधा पैटर्न है, इस पर हमने यहाँ पर अपनी सब सिलाइयाँ लगा ली है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये आपने यहाँ पर क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ा है और यहाँ पर छोड़ा है, तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर क्वार्टर इंच का मार्जिन जो आपने छोड़ा है उसे लेते हुए आपको एक क्रास में ही सिलाई लगा देनी होगी एंकर थ्रेड धागे की ही। ये हमने अपनी सिलाई लगा ली है, इसके बाद चलिए दोस्तों काउंटर पर। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये आपने एंकर थ्रेड धागे की सिलाई लगाई है और एक ये वाई लगाई है, इससे मिलाते हुए आपको अपने मार्जिन को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है प्रेस की मदद से। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने मार्जिन को जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। देखिए इसका सीधी तरफ से लुक जो है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने इस पैटर्न को कुर्ती में अटैच करते हैं। तो दोस्तों इस पैटर्न को कुर्ती में अटैच करने के साथ साथ हम अपना नेक भी बना लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी कुर्ती लेनी होगी। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती का सीधा भाग है और ये उल्टा भाग है। तो आपको अपने पैटर्न को इस तरीके से उल्टे भाग पर सेट करना है। सेट कैसे करना है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आर्महोल वाली साइड आपकी क्रॉस कटी हुई है, बस आपको यहीं पर इसको सही तरीके से मिला लेना है। और मिलाने के बाद में दोस्तों आपने जो ये अपने बोर्ड नेक का मार्क लगाया है सेम इस पर स्टिच कर लेनी है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर का मार्जिन क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस नेक को और पैटर्न को दोनों को एक साथ इस तरीके से पलट लेंगे, और पलटने के बाद दोस्तों इस पे फिनिशिंग के साथ पहले प्रेस लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपने नेक पर प्रेस लगा ली है, और इसके बाद दोस्तों पैटर्न की किनारी पर हम सिलाई लगाकर पैटर्न को भी अटैच कर देते हैं। दोस्तों नीचे की तरफ आपको क्या करना है, एक यहाँ पर नोक बनानी है। तो नोक बनाने के लिए दोस्तों आपको अपने हाथ से ही बनानी होगी, ऐसे देखिए, या अगर आप चाहें तो इसे प्रेस से भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बटन लगाकर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा कुर्ती का नेक डिज़ाइन तैयार कर दिया है। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।